आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एक और बेहतरीन प्रोडक्ट जो स्किन केयर के अंदर आता है, अल्फा इफेक्ट। इस प्रोडक्ट को जानने से पहले मैं चाहूंगा कि हम कुछ शरीर के स्किन के बारे में कुछ जान लें। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारी स्किन होती है, हमारी त्वचा होती है। स्किन के कुछ रोचक तथ्य हैं। हमारी स्किन का वजन, भार या वेट हमारे शरीर के भार का लगभग 15% होता है, 15% होता है। हम जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, इंटेक करते हैं, उसका केवल 1% ही हमारे स्किन के नरिशमेंट के लिए, पोषण के लिए जा पाता है। हमारी स्किन की तीन मुख्य परतें, मतलब तीन लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। स्किन के पर स्क्वायर सेंटीमीटर में लगभग 6 मिलियन सेल्स, 5000 सेंसरी पॉइंट और 15 स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं। जो सेंसरी पॉइंट्स होते हैं वो हमें सर्दी गर्मी का एहसास या किसी चीज के चुभने का एहसास या किसी चीज का अनुभव कराने के लिए काम में लाए जाते हैं। वहीं सेबेशियस ग्लैंड हमें ऑयल सिक्रेशन के लिए काम में लाए जाते हैं। हमारी स्किन हमारे शरीर की पहली रक्षा पंक्ति, मतलब फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है, जो हमें डिहाइड्रेशन से, इंफेक्शन से, इंजरी से, तापमान के अवरोध से हमारी रक्षा करती है, हमारी हिफाजत करती है। किसी भी तरीके का अगर हमें स्किन के अंदर पानी की कमी होती है या किसी टाइप का इंफेक्शन होता है तो उसका सबसे पहला असर हमारी स्किन के माध्यम से ही हमें मालूम पड़ पाता है। हमारी स्किन को लगातार नरिशमेंट की जरूरत पड़ती है, पोषण की जरूरत पड़ती है, ताकि स्किन प्राकृतिक रूप से हेल्दी रह सके और चमकती रहे। जब सेबेशियस ग्लैंड, मतलब ऑयल सिक्रेशन का जो काम करती है वो सेबेशियस ग्लैंड के माध्यम से होता है, से ऑयल निकलना कम या बंद हो जाता है तो हमारी स्किन सूखी, मतलब ड्राई, खुरदरी या कटी पट्टी सी नजर आनी स्टार्ट हो जाती है। खासतौर से 30-35 साल की एज के बाद में या बढ़ती हुई उम्र में स्किन सूखी, पतली, बगैर लचीली, झुर्रीदार और बेजान सी नजर आती है और कई बार उसमें काफी ज्यादा गड्ढे से नजर आने लगते हैं, जिसे ओपन पोर्स कहा जाता है। फॉरएवर अल्फा इफेक्टर फॉरएवर लिविंग का एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जो एक रिप्लेनिशिंग एजेंट का काम करता है, मतलब वो हमारी स्किन को बदलने के पर्पज से एक एजेंट के तौर पर काम करता है। इसके पोषक तत्व स्किन को मॉइस्चराइज करने, नरम बनाने और यंगर लुक देने का काम करते हैं। ये इतना हल्का होता है, अल्फा इफेक्टर इतना हल्का होता है कि तुरंत क्षणों में हमारी स्किन में समा जाता है और मखमली एहसास देता है। इसके लाइट इमोलिएंट फ्लूड में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बोरेज ऑयल और बीसाबोलोल होता है, जो जबरदस्त तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है। हमारी स्किन को 80% डैमेज फ्री रेडिकल से करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? तो उनमें सबसे पहला विटामिन ई शामिल है अल्फा इफेक्टर के अंदर, और विटामिन ई को स्किन का विटामिन भी कहते हैं। ये स्किन को फ्री रेडिकल से बचाता है, स्किन को नर्म और मॉइस्चराइज करता है। वहीं इसमें विटामिन सी शामिल है। विटामिन सी का स्किन के तौर पर अगर हम देखें तो ये हमारे खराब टिश्यूज को सही करता है। कोलेजन का प्रोडक्शन करने वाले अणुओं को जोड़ने के लिए विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये स्किन को मजबूत बनाता है, उसे हेल्दी बनाता है। कोलेजन की कमी हमारी स्किन को नीरस और बेजान बनाती है। कोलेजन हमारी स्किन को जड़ से यंग बनाता है, युवा बनाता है। झुर्रियों को और एजिंग के लक्षण, मतलब फाइन लाइंस का बनना या अदरवाइज झुर्रियों का आना या स्किन के ऊपर ओपन पोर्स हो जाना, ये इसी प्रकार के जो एजिंग के लक्षण है उनको ये काफी कम करता है। इसमें शामिल है लेसिथिन। ये एक बेहतरीन तरीके का इमोलिएंट है जो स्किन के रूखेपन को दूर करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है, मतलब नर्म बनाता है, चमकदार बनाता है। ये हमें सोयाबीन, एग, कॉटन सीड, मिल्क आदि में से मिलता है। इसमें शामिल है बोरा सीड ऑयल।
स्किन को फैटी एसिड खासतौर से गामा लिनोलेनिक एसिड उपलब्ध करवाता है, ताकि हमारा जो शरीर के अंदर हमारी स्किन के अंदर जो मॉइस्चर खत्म हो जाता है उसे ये वापस से रिस्टोर करने के ना मदद करता है। इसमें एक और बेहतरीन प्रोडक्ट बीसा बोलोल है। ये केमोमाइल फूलों से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट है, सत्व है, जिसे लिवोमेनोल के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम होता है स्किन को कंडीशनिंग करना। इसमें पैंथेनॉल कंसंट्रेशन के कारण सालों से इसे स्किन की समस्या को दूर करने के लिए काम में लाया जाता है, जैसे कि स्किन का लटक जाना या इसका कोलेजन का कम हो जाना या स्किन की झुर्रीदार हो जाना, उन सब की समस्याओं को इसको सालों से स्किन की कॉस्मेटिक के लिए काम में लाया जाता रहा है। इसके अंदर एक और बेहतरीन चीज कैप्रेलिक मतलब कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड शामिल होता है, जो कोकोनट से मिलता है। कोकोनट मतलब नारियल ऑयल से मिलने वाला नेचुरल इमोलिएंट है, जो चिकनाई का एहसास नहीं है देता, फिर भी हमारे स्किन को मॉइस्चराइज मतलब नमीदार बना करके रखता है। इसमें सोयाबीन का ऑयल भी शामिल है, एक असरदार एंटीऑक्सीडेंट जो न केवल मॉइस्चर बनाने का काम करता है बल्कि मॉइस्चर को कंट्रोल करने के अंदर भी लाजवाब। अब ऐसे में सवाल आता है कि अल्फा इफेक्टर को हम कैसे यूज करें। अल्फा इफेक्टर को यूज आप लोग मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, मतलब दोनों समय इसका उपयोग किया जा सकता है। यदि आप लोग क्लींजर और टोनर यूज करते हैं तो उसके बाद इसका यूज करना फायदेमंद होता है। वहीं मॉइस्चराइज करने से पहले मतलब किसी भी प्रकार का अगर आप लोग मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो मॉइस्चराइजर लगाने से पहले अगर आप लोग अल्फा इफेक्टर का यूज करते हैं तो इसके अच्छे परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अल्फा इफेक्टर को हमारी स्किन पर हमारे चेहरे पर कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए आप अल्फा इफेक्टर के 2 या 3 ड्रॉप्स को उंगलियों के पोरों पर लगा करके फेस पर हल्के हाथ से लगाएं। नाइट में इसे लगाने के बाद अगर फॉरएवर रिकवरिंग नाइट क्रीम भी अगर आप लोग लगाते हैं तो इसे आप लोग अच्छे परिणाम आप लोगों को कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों ने नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो प्लीज क्लिक कर दें, ताकि आप लोग इसी प्रकार के आने वाली इन्फॉर्मेशन से अपडेट होते रहें। धन्यवाद।